हाय, अभी पिछले कुछ रोज़ से हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स से जब मैं बात करती हूँ तो कई स्टूडेंट्स आते हैं और इस तरीके के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि हमें पैराजम्बल्स में दिक्कत हो रही है, हमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है, हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के फैक्ट्स और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, हमें समरी टाइप क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डाउट्स लेके बैठते हैं, डाउट्स बेस्ड, डाउट्स ऑन कॉन्सेप्ट्स, डाउट्स ऑन क्वेश्चंस। एक चीज जो मैं बहुत कॉमनली ऑब्जर्व कर रही हूँ, समथिंग दैट माइट हेल्प यू गाइस, मुद्दा ये नहीं है कि क्वेश्चन समरी का है या पैराजम्बल का है या आरसी का है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का है। बहुत सारे लोग जब क्लास में उनको थ्योरी पढ़ाई जाती है और हम आप लोगों से एलिमिनेशन प्रोसेसेस डिस्कस कर रहे होते हैं, अप्रोचेस, स्ट्रैटेजीज, वेज टू सेलेक्ट द राइट आंसर, उस समय पे थ्योरी समझना इज ओके, थ्योरी हम समझ लेते हैं, बट शायद आप में से कई लोग का प्रॉब्लम समरी टाइप क्वेश्चन या पैराजम्बल क्वेश्चन या आरसी नहीं है, प्रॉब्लम इज इंग्लिश। कई लोगों को जिनको इंग्लिश ही समझ नहीं आ रही होती है, वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे होते अपनी अपने मदर टंग में या जिस भाषा में उनको रीजन करना ज़्यादा ईजी लगता है, वो लोग उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे होते पैराग्राफ को, एंड दे एंड अप थिंकिंग कि उनका पैराजम्बल्स खराब है और उनका समरी टाइप खराब है। ऐसा नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट यू प्रॉब्ली नीड टू डू इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद दीज क्वेश्चन टाइप्स इज दैट इनकी थियोरी तो आधे आधे घंटे की है, एक ही घंटे की थियोरी है। Probably you need to improve your comprehension skills in English. You have to read more. You have to understand more. You know, and you can make it a group activity. You can take help from one of your batchmates. Sit together, comprehend things together. And then when you understand English better, you will see a marked difference in your ability to apply theory into the questions. So yeah, give it a shot.